दांतों को साफ करता है, पहला वाला दांतों को साफ करता है। आपने दांतों में पेस्ट कर दिया, दांतों की जो पतली सी परत होती है जिसे कहते हैं इनेमल, उसको नुकसान पहुंचाता है, वो घिस देती है। जैसे ही आप वो घिसती है तो क्या होता है कि बाहर के जो कीटाणु होते हैं दांतों के अंदर जाते हैं। आप देखो कि एक बच्चा होता है जिसके जो मसूड़े होते हैं उसमें जगह नहीं होती, दांतों में बीच में देखो कि जगह नहीं होती। जैसे जैसे वो 30 साल का हो जाता है उसके दांतों में ऐसा होता है इंसान घुसने की जगह बन जाती है, होता ही नहीं होता। अब केमिकल है, केमिकल साथ आप यूज करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब लोग समझदार। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें होता है हड्डी का चूरा। और हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो हड्डी को गोल पीस सके, हड्डी हमेशा नुकीली शेप में ही पीसी जाती है, वो पिसेगी ही नुकीली शेप। इसलिए जैसे ही आप इसको घर्षण करना स्टार्ट करते हो ये अपने दांतों अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब देखने के लिए तो दांत साफ हो चुके होते हैं लेकिन वो दांतों की जड़ों को भी कमजोर पड़ चुका होता है। इसमें क्या होता है, गन्ने का जो रस होता है वो होता है, तो गाँव में हम लोग खाते ना गन्ना जो थे गन्ने का रस होता है, उससे दांत और मजबूत बनते हैं ना कि दांत खराब होते हैं। तो आप लोग अगर सेब भाई बात करें थे रेट की, तो जैसे सर ने बताया कि 50% से कम में बात करता, 75 रुपये का प्राइस रेट है। अगर आप मोदी केयर ज्वाइन होते हैं तो आपको 65 रुपये में पड़ता है, 2 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। और अगर आप लॉयल्टी कर रहे हैं तो यही पेस्ट आपको 30 से 25 रुपये के आसपास पड़ता है, और ये पड़ता है 45 रुपये का। बहुत अच्छा।